फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? चलिए, आई होप अच्छे होंगे आप। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बता दूँ, एक वीडियो और आपके लिए सॉफ्टवेयर के लिए लेकर के मैं आया हूँ। तो जैसा कि देख सकते हैं, हमेशा मैं आपके लिए कंटेंट लेकर के आता रहता हूँ फ्रेंड्स। तो आज का एक वीडियो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, जो कि मैं आपको बता दूँ, एक कोमियो का फ़ोन है, कोमियो C1 Pro। मैं अभी लास्ट में आपको दिखा भी दूंगा। ये कोमियो का एक फ़ोन है जो कि कोमियो C1 Pro के नाम से है ये। और ये फ्रेंड मैं बता दूँ, इसमें FRP लगी हुई है। तो मैं इसको पहले आपको FRP दिखा देता हूँ, स्किप करूँगा। और स्किप करने के बाद आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे स्किप का बटन नहीं आ रहा है, मतलब इसमें FRP लगी हुई है। तो जीमेल, हम इसको बहुत ही इजी तरीके से इसकी FRP हटाएंगे। तो मैं इसको आपको खोल के भी दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, कि ये कोमियो का कौन सा मॉडल है। वैसे कोमियो का मैं दिखा देता हूँ फ्रेंड्स आपको, C1 Pro है। और इसकी FRP हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे। तो मैंने इसका पीछे का बैक पैनल खोल लिया है, तो आप देख सकते हैं कोमियो C1 Pro। तो इसकी हम मिरेकल से बहुत इजीली तरीके से अनलॉकिंग यहाँ पे दिखाने वाले हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप नए हैं हमारे चैनल में, तो जा करके प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे मैं नया वीडियो आपको तुरंत मिले। तो चलिए, अपने डेस्कटॉप पर ले जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि आगे। तो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देख ही लिया है सारी चीज़ें, तो मैंने UMT को MediaTek का खोल ही दिया है। और बहुत इजी तरीके से यहाँ पे आपको करके दिखाने वाले हैं सारी चीज़ें, स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे करके दिखाएंगे। तो आई होप हमारी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगती होगी। तो अगर अच्छी लगती है फ्रेंड्स, तो जितना हो सके उतना आप लाइक करें और जितना हो सके आप उसे उतना सब्सक्राइब करें। तो चलिए, हम टूल एंड FRP में जाते हैं और अपना ब्रांड ही लेते हैं। देखिए, वीडियो को देर न करते हुए फटाफट काम करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए, दो मॉडल हैं, C1 Pro जो कि हमारा सेलेक्टेड ही है। आप यहाँ से इसके इंटरफेस को यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली हमें रिसेट FRP पे क्लिक करना है, क्योंकि उसके FRP हमने वहाँ पे आपको दिखाई दी थी। तो इसको आपको 30 सेकेंड के अंदर कनेक्ट करना होता है फ्रेंड्स। तो अब हम इसे 30 सेकेंड के अंदर, ये हमारा फ़ोन है, हमने बैटरी को एक बार निकाल के लगा दिया है, तो हम इसे कनेक्ट कर दिए। और देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा ये काम होता है कि नहीं होता है। लाइव ही आपके सामने कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो आई होप हो जाना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, रिसेट FRP हमारा प्रॉपरली तरीके से कंप्लीट हो चुका है, कोई भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे नहीं आया। जो कि एक UMT में इस पर बहुत काफ़ी सारे वीडियो यहाँ पे बनाया हो UMT में। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे C1 Pro हमारा 8, जो इसका एंड्रॉयड वर्जन है उसका 8.01.0 है। और यहाँ पे देख सकते हैं C1 Pro वर्जन इसका जो चल रहा है, और सारी चीज़ें यहाँ पे आपको हमने यहाँ पे करके दिखाई। तो सिंपल, यहाँ पे कोई भी आपको बूट की प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे कोई भी बूट की प्रेस करने की ज़रूरत नहीं थी। और इसीलिए मैंने वीडियो को देर न करते हुए फटाफट यहाँ पे आपको कर दिया। बहुत छोटी सी वीडियो है, अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए, अब इसे हम चालू करके दिखाते हैं, बैटरी को रिमूव कर लेंगे और चालू करके दिखाएंगे कि हमारा ये काम हुआ कि नहीं। तो आप इसी में बने रहें, मैं इसी वीडियो में ही आपको कवर करके दिखा देता हूँ। तो ये हमारा ऑन हो रहा है फ्रेंड्स, आपने तो कैमरे में देख ही लिया था। तो मैं इसी वीडियो में ही आपको करके दिखा दे रहा हूँ लाइव, कि हमारा काम हुआ कि नहीं हुआ। तो आपने देखा कि यहाँ पे बहुत ही ईजीली तरीके से हमारा हो चुका था। अब उसके बाद आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा कम्प्लीटली हो चुका है। तो चलिए, हम इसको चालू करके प्रॉपर तरीके से दिखाते हैं। इसमें एक एरर भी आ जाता है फ्रेंड्स, आपको नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पे एक DL एरर का भी एक मैसेज आ चुका है। DL एरर, तो फिक्स DL करके एक एरर आ रहा है, फायर DA एरर। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है फ्रेंड्स। तो फाइनली फ्रेंड्स, उसका DL एरर आ गया था, जैसा कि हमने दिखाया था आपको, FRP उसकी हटाई थी हमने, तो उसमें एक DL एरर आ चुका था फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा ही था। तो उसको DL एरर हटाने के लिए UMT में भी हमने ट्राई किया था, तो UMT में उसका DL एरर नहीं पॉसिबल हो रहा था हटने के लिए। तो फ्रेंड्स, फिर मैंने उसको फाइनली उसको फ्लैश किया है फाइल, उसकी फ्लैश फाइल से। तो ये वीडियो आपको, आई होप ये लगा हुआ है फ़ोन, तो मैं वो डायरेक्ट आपको लाइव ही दिखाऊंगा यहाँ पे। तो ये फ़ोन हमारा फ्रेंड्स फ्लैश हो जाएगा अभी, और फ्लैश होने के बाद हमारा जो DL एरर का जो एक प्रॉब्लम था कोमियो में, वो सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी होता है कि UMT से आप किसी फ़ोन का आप हटा रहे हैं, जैसे आप
हम मान के चलते हैं फ्रेंड्स कि UMT में आप चाहे लावा सीरीज की हटा रहे हैं या आप किसी भारत नोट किसी की भी आप हटा रहे हैं तो एक डील एरर का मैसेज आ जाता है। तो वहाँ पे मिरकल और UMT में दोनों जगह ऑप्शन दिए गए हैं आप उनको फिक्स करने का। बट अगर इन केस अगर ऐसा कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स तो आप सिंपल उसकी फ्लैश फाइल से फ्लैश कर दें और वो इजली तरीके से काम हो जाएगा। तो हमने भी वही किया, फाइनली यहाँ पे हमने फ्लैश कर दिया है फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं। और UMT और मिरेकल से दोनों से वो एरर आ रहा था, मतलब नहीं हो रहा था, फिक्स नहीं हो रहा था। तो हमने क्या किया है फ्रेंड्स कि उसको फ्लैश कर दिया है और आपके सामने अभी हम दिखाएंगे। जैसे ही 100% हो जाएगा हम आपको यहाँ पे करके दिखाएंगे कि हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। तो बट अगर ये अच्छी वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पे देख सकते हैं ये फ़ोन वही लगा हुआ है, अभी हमने डाटा केबल से नहीं निकाला हुआ है। तो उसके लिए मैं फटाक से रिमाइंड कर दे रहा हूँ आपको, हमने यहाँ पे इसकी डीएल लीडर यहाँ पे जो DA टूल दे देना है, फाइल में ही आपको यहाँ पे MTK का टूल मिल जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये आप जाएंगे इसकी फ्लैश फाइल थी, हमने इसको लोड कर दिया था और ये हो गया था। तो सिंपली चलिए अब हम फ़ोन को आपके सामने ही लगाते हैं फ्रेंड्स और ऑन करते हैं। और देखिए फ़ोन हमारा प्रॉपरली तरीके से फ्रेंड ऑन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे नीचे देखूँगा कि जो आपका नीचे यहाँ पर डीएल एरर का मैसेज आ रहा था कि डीएल एरर का मैसेज आ रहा है कि नहीं। तो आई होप ये डन हो चुका है। तो अभी देखते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको बूट होने में और ये बहुत ही ईजी तरीके से हो जाएगा फ्रेंड। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मैं आपको प्रॉपरली चालू करके दिखाऊंगा कि इसकी जो FRP थी वो गई कि नहीं गई। बहुत से लोग परेशान होते हैं कि इसकी FRP हम कैसे हटाएं, तो लोग इसको बाईपास करते हैं, बाईपास करने में थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है। तो आप अगर आप प्रॉपर नॉलेज है तो आप इसे बहुत ही ईजीली तरीके से फ्लैश कर सकते हैं। और फ्लैश करने के लिए सारी चीज़ें हम आपने यहाँ पे सर कुछ भी चीज़ हाइड नहीं की है, सब कुछ आपको प्रॉपरली दिखाया है। तो यहाँ पे आपको सिंपली फाइल देना था, DA फाइल देना है। DA फाइल देने के बाद आपको यहाँ पे उसकी फ्लैश फाइल देनी है। और इसकी जो मैं बात करूँ फाइल की फ्रेंड, तो मैं यहाँ पे आपको फाइल दिखा देता हूँ। तो फाइल आपको दिखा देता हूँ, ये इसकी फाइल है, ये देख सकते हैं आप। ये V109 इसका वर्जन है और ये देखिए इसे कोमियो C1 Pro। सिंपल ही आप इसे डायरेक्टली फ्लैश कर देते तो भी इसकी FRP हट जाती, पर कभी कभी UMT से इसके FRP हटाने के बाद एरर आ जाता है। तो इसी के अंदर आपको DA फाइल मिल जाएगी फ्रेंड, आप देख सकते हैं UMT का एक DA फाइल मिल जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे इसकी फ्लैश फाइल भी मिल जाएगी। तो आई होप ये आपको अच्छा लग रहा है वीडियो। तो बस जैसे ही हो जाता है कम्प्लीटली, देखिए फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है फ्रेंड्स। हमने आपको शुरू में दिखाया था तो थोड़ा सा कैमरे में वो होगा, फिलहाल कोई बात नहीं है। मैं इसे नेक्स्ट करता हूँ, स्किप करता हूँ और आपको थोड़ा सा वहाँ पे दिखने में दिक्कत हो रही होगी, फिर भी मैं स्किप करता हूँ। थोड़ा सा ये चार्ज कम है तो मैं इसको बैटरी पे भी लगा देता हूँ फ्रेंड्स, और क्योंकि चार्ज कम है। और स्किप, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉर्नर में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि स्किप का बटन आ चुका है, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं फ्रेंड स्किप का बटन आ चुका है, बहुत ईजली तरीके से डन हो गया। UMT से थोड़ा सा हो सकता है कि आपको दिक्कतें करनी उठानी पड़ी, पर आई होप 100% सक्सेस हो चुका है हमारा। तो स्किप करेंगे, स्किप कंटिन्यू करेंगे और हालांकि दिख नहीं रहा होगा पर मैं प्रोसेस कर रहा हूँ, फ़ोन ऑन हो जाएगा तो आपको स्क्रीन दिख जाएगा। तो मैं थोड़ा सा क्रॉस हो जाता हूँ और नेक्स्ट 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 स्किप नॉट नो, थोड़ा सा प्रोसेस जो होता है जो उसमें आपको वाइट वाइट दिख रहा है फ्रेंड, बट ये प्रोसेस हो रही है और बस चालू हो जाएगा फ़ोन अभी हमारा। स्किप एनीवेज मोर देन एक्सेप्ट। तो प्रॉपरली तरीके से हम आपके सामने लाइव भी कर रहे हैं। जस्ट ए सेकेंड, और आप देख सकते हैं फ़ोन हमारा प्रॉपरली तरीके से ऑन हो चुका है। तो यही था C1 का आपके सामने हमने यहाँ पे दिखाया फ्रेंड्स। कोई भी हमारे चैनल फेक नहीं बनता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।
आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिले और बहुत इजीली तरीके से आप कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। Independence, what they call me. I promise that you'll never be lonely.